अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे गोश्त की कड़ी। पकोड़े वाली कड़ी तो आपने बहुत खाई होगी, देखी होगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके की कड़ी है, एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और मुझे उम्मीद है आप एक बार ट्राई करोगे तो इसको बार बार ट्राई करना चाहोगे। ये इतनी टेस्टी होती है। तो बोनलेस ही मटन लेना है, गोश्त लेना है, तो उसके लिए हमने बोनलेस गोश्त ले लिया है 500 ग्राम। एक प्याज डालकर हमने इसको धोकर छन्ने में रख दिया है। बघार के लिए लिया है हमने एक बड़ी प्याज, इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। कुछ कड़ी पत्ते, सूखी वाली 3 लाल मिर्च, 1 चम्मच फूल भरकर ज़ीरा, आधा नारियल ले लिया हमने। नारियल का पीछे वाला स्किन हमने निकाल दिया है और इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। इससे बहुत टेस्टी होती है कड़ी, आप डालकर देखिएगा। इसका हमको फाइन पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा पानी डालकर। दही ले लिया हमने 300 ग्राम, 100 ग्राम हमने बेसन आटा लिया है, दही और बेसन आटा। इसको भी पानी डालकर हम मिक्सी में थोड़ा सा फिरा लेंगे तो इसके अंदर लम्स नहीं बनते हैं। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तेल लेने वाले चम्मच से हमने 3 चम्मच फूल भरकर तेल लिया है। फूल भरकर हमने हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच, 6-7 हमने हरी मिर्च लिए और ये लहसुन, इसका भी हमको फाइन पेस्ट बना लेना है, और 1 बाउल हरा धनिया। देखिए इस तरह का गोश्त ले लेना है, थोड़ा सा चिकना भी, चर्बी भी रहेगी तो चलेगा। देखिए इस तरह का, तो बहुत टेस्टी होती है कड़ी। देखिए मिक्सी जार ले लेंगे, मिक्सी जार में बेसन आटा डालेंगे, दही डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम फिरा लेंगे। देखिए कुकर में गोश्त हमने डाल दिया है, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर हम आधा डालेंगे और आधा दही और वो ग्राइंड कर रहे हैं हम उसके अंदर डालेंगे, बेसन आटे के मिक्सी जार में डाल देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए छोटा गिलास है, आधा गिलास पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 3 सीटी ले लेंगे। देखिए गैस पे हमने पतीला रख दिया है, गोश्त हमारा गल चुका है, हमने उसकी स्टीम रिलीज होने के लिए उसको रख दिया है। बताएंगे आपको किस तरह से गलाना है। आधा तेल इसके अंदर डालेंगे और आधा बचा लेंगे बघार के लिए। ये हरी मिर्च और लहसुन का इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे। मिर्ची को तेल में अच्छा फ्राई कर लेना है कच्चापन जाने तक। देखिए 1 मिनट तक हमने मिर्ची को फ्राई कर लिया है कच्चापन जाने तक। दही, हल्दी और बेसन आटा ये सब डालकर हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है। देखिए जार खंगाल कर पानी डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने नारियल का फाइन पेस्ट बना लिया है, इसी तरह से बनाना है। थोड़ा सा पानी डाला था हमने, ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक लीटर पानी है हमारा ये। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, अब इसमें बॉईल आने देंगे मीडियम फ्लेम पर ही। देखिए इसमें बॉईल आ गया है, 5 मिनट लगा है इसको, मीडियम फ्लेम पर ही है गैस हमारा अभी भी।
अभी और 2-3 मिनट इसको पकने देंगे हम, फिर इसको उतार देंगे। देखिए 3 सीटी लेकर हमने इसकी स्टीम को रिलीज करके इसको चेक कर लिया है, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हो कितना गलाना है, देखिए इस तरह से बस। और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये इसका सूप रहेगा, जिससे बहुत टेस्टी कड़ी बनेगी। तो इसी तरह से थोड़ा सा पानी डालकर इसका सूप अंदर रहने दीजिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कड़ी में। देखिए गैस पे हमने पैन रख दिया है, अभी हम उसका तड़का तैयार कर रहे हैं। ये बचा हुआ तेल डाल देंगे जो हमने आधा बचा लिया था। कड़ी पत्ता डालेंगे, लाल मिर्च को हमने तोड़ दिया है, एक एक पीसेस के दो दो कर लिए, जीरा और लाल मिर्च डाल देंगे। एक मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए एक मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ी सी ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याज हमारी थोड़ी ब्राउन हो चुकी है, अभी जो हमने गोश्त गला कर रख दिया था वो इसके अंदर ही डालेंगे, थोड़ा सा उसको फ्राई कर लेंगे। देखिए 4-5 मिनट हमने गोश्त डालकर इसको फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा ब्राउन स्पॉट आने तक, देखिए इस तरह से। बस अभी ये फ्राई हो चुका है। देखिए कड़ी वाला पतीला हमने रख दिया है गैस के ऊपर, ये जो गोश्त का सूप है ये इसके अंदर डालेंगे। देखिए गोश्त का सूप डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये बहुत टेस्टी होती है कड़ी। सूप थोड़ा सा डालोगे तो, हरा धनिया हमने धोकर कट कर लिया, ये डाल देंगे थोड़ा सा, अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। जो हमने बघार तैयार किया वो डाल देंगे। गैस हमारा चालू है, स्लो फ्लेम पे रखा है हमने। देखिए तड़का डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमक आप इस टाइम पे चेक कर सकते हो, हमारा नमक एकदम सही है, क्योंकि हमने मटन बॉईल किया था उसमें भी डाल दिया था, और कड़ी बॉईल हो रही थी हमारी उसमें भी डाल दिया था, तो नमक एकदम सही है। नमक चक्कर आप इस टाइम पर डाल सकते हो, और ठीक आपको कितना चाहिए आपके हिसाब से आप रख सकते हो, ठंडी होने के बाद और वो ठीक हो जाती है। तो तड़का डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, 2-3 मिनट इसको स्लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। देखिए 2-3 मिनट हमने इसको स्लो फ्लेम पर पकने दिया है, आप देख सकते हो तड़का पूरा ऑयल वो ऊपर आ चुका है। अभी हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। लीजिए बनकर तैयार है गोश्त की कड़ी, ये हमने जीरा राइस के साथ सर्व किया है। ये मेरी सासू मम्मी की रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और आपकी कड़ी कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए, इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।